नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मुस्लिम एक्टिविस्ट सफूरा जरगर का नाम आपने जरूर सुना। दिल्ली दंगों की आरोपी के तौर पर उसका नाम सबसे पहले सामने आया था। सफूरा अब एक बार फिर सुर्खियों में है। उसका एडमिशन रद्द किए जाने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने भड़काऊ नारे भी लगाए। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान आरएसएस की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर और एबीवीपी की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर इस तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए। छात्र पोस्टर बैनर लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे। सफूरा जरगर ने सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया था, जिसे यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया। सफूरा जरगर फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की आरोपी है। उसे अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जमानत पर बाहर चल रही है। गर्भवती होने की वजह से और कोर्ट ने केंद्र सरकार के ये कहने के बाद कि उसे उसकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है, सफूरा को जमानत दे दी गई थी। ये एक नियमित जमानत थी। उसे इस शर्त पर जमानत दी गई कि वो अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली को नहीं छोड़ेंगी और जांच में बाधा भी नहीं डालेंगी। जामिया में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करके कहा कि जामिया में दिल्ली दंगों की आरोपी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। दंगों की शुरुआत जामिया से ही कुछ लोगों ने की थी। समय आ गया है कि जिहादी तत्वों को मां सरस्वती के इस मंदिर से बाहर किया जाए। दिल्ली को खून से रंगने वालों को दोबारा सिर नहीं उठाने देंगे। तो ये कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली को खून से रंगने वाले लोग ये जामिया विश्वविद्यालय का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे देश विरोधी तत्वों की पहचान की जानी चाहिए। जामिया में कल जो नारे लगे हैं सफूरा जरगर के समर्थन में, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, फिर से वही जहरीले विषैले नारे, फिर से उसी प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश। जामिया विश्वविद्यालय है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहां पर ऐसे कुछ जिहादी लोग आए, दंगों की प्लानिंग करें, फंडिंग करें, दंगाइयों का समर्थन करें, ये अब दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली को खून से रंगने वाले कुछ लोग जामिया जैसे विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से फंडिंग, वहां से सपोर्ट, वहीं पर मीटिंग, यहां तक कि दिल्ली दंगों की जो शुरुआत हुई थी, जो बसों को जलाया गया था दिल्ली में, वो भी जामिया से ही लोग निकले थे। तो मुझे ये लगता है कि माँ सरस्वती के मंदिर में ऐसे जो जिहादी लोग हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन का भी ये काम है कि ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए। और इस प्रकार के विषैले नारे दिल्ली में, दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश करने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको दिल्ली के लोग और देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली को खून से रंगने वाले लोग अगर विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल करेंगे तो उनको माफ नहीं किया जाएगा। सफूरा जरगर जामिया से सोशियोलॉजी में एमफिल कर रही हैं। 5 सेमेस्टर होने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपनी थीसिस सबमिट नहीं की थी, जिसके बाद जामिया ने उनका एडमिशन रद्द कर दिया था। जामिया प्रशासन का कहना है कि उनके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को उनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगी, साथ ही उन्होंने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। कोरोना के कारण उन्हें एक अतिरिक्त 6ठा सेमेस्टर भी दिया गया था, जो 6 फरवरी 2022 को ही खत्म हो चुका है। इसके कारण सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द किया गया है और इस फरमान के बाद सोमवार को छात्रों ने पोस्टर बैनर लेकर के उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। सफूरा जरगर खुद भी सोशल मीडिया के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया के इस फैसले को लगातार मुद्दा बना रही हैं। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि एक्सटेंशन के लिए उन्हें इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। उन्होंने खुद के शिक्षा के अधिकार छीने जाने तक का आरोप लगाते हुए प्रोफेसरों पर धोखेबाजी और बेईमानी का भी आरोप लगा दिया था। उन्होंने अपने समर्थन में 150 कथित एक्टिविस्ट से जामिया को पत्र भी लिखवाया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जामिया कैंपस में हुई इस आपत्तिजनक नारेबाजी पर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।